हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैशनी टीवी। मेरा नाम रीना है और मेरी एक और रिएक्शन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज की रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की रिएक्शन वीडियो सरिता जी पर और जो देवरानी जी सपोर्ट में आई है अपनी जेठानी जी के, उन पर होने वाला है। तो कल मैंने लाइव की थी, उसमें मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि उनकी जो देवरानी है उन्होंने कम्युनिटी डाली है और दीदी जी ने भी अपनी देवरानी को थैंक यू बोला है। तो मैंने जाकर देखा तो मैं हैरान रह गई कि कहाँ कल तक वो लाइव में आकर अपनी देवरानी जी को इतना कुछ कह रही थी। जो देवरानी मतलब लाइव में आए चाहे वो ब्लॉग में आए, हर बार उन्हें यही कहा गया कि एक भी नेगेटिव कमेंट आता है ना तो मेरा ना वो कम्युनिटी ऑफ कर देती है, उनकी कम्युनिटी डिलीट करा दी जाती है, वीडियो डिलीट करवा दी जाती है। और कल तक तो मतलब खुद वो उन्हें देखना पसंद नहीं करती थी, आज उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी में पोस्ट डाली है। तो उन्होंने लिखा कि कल तक आप लोग मेरा विरोध इसलिए करते थे कि मैं अपनी जेठानी के खिलाफ थी, आज इसलिए विरोध कर रहे हो कि मैं जेठानी के साथ हूँ। तो आपका विरोध कोई नहीं करते थे, आपका विरोध इसलिए करते थे क्योंकि लोगों को सच्चाई पता नहीं थी। जिस दिन लोगों को पता चला था कि आप इनोसेंट हो, आपने अपनी बात रखी, उस टाइम से लोगों ने आप पर बिलीव करना शुरू कर दिया था। तो कोई आपके खिलाफ नहीं था, आज विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो गलत है और आप गलत का साथ दे रही हो। मैं ये किसी के सपोर्ट में नहीं कर रही हूँ, आप खुद सोचिए आपके दिमाग के साथ कैसे खेला जा रहा है। कभी आपको कोई देवी बनाकर प्रेजेंट किया जाता है तो कभी चरित्रहीन। आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है ही नहीं, आप अपने को खुद कंट्रोल कीजिए और मेरी तरह अपने डिसीजन खुद लीजिए। किसी के कह देने से किसी को महान या बुरा मत बनाइए, अपनी आंखों से देखिए, चीज़ों को एनालिसिस कीजिए। मैं मेरी जेठानी के साथ रही हूँ, मैंने उनको भैया के लिए तड़पते देखा है। आपने उनको तड़पते देखा होगा लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। फिलहाल उन्होंने खुद माना है कि उनके साथ गलती हुई है, बहन भाई का जो रिश्ता खराब किया है वो किया है, वो गलत है। इसीलिए मेरी अंतरात्मा ने कहा कि आज मुझे बोलना चाहिए, अगर मैं चुप रही ना तो अपनी बेटी से आंख नहीं मिला पाऊंगी। आपको बोलना चाहिए, हम भी मानते हैं आपको बोलना चाहिए, लेकिन कभी आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो कहाँ आप अपनी जेठानी के लिए स्टैंड ले रहे हो। वो तो खुद ही बोलने को बहुत तेज है, आपकी जरूरत ही नहीं है उसको। आज वो क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि उसकी गलती है। यदि उसकी गलती ना होती तो वो खुद बोलती, वो तो आगे आकर बोलती है, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो महान देवी मूर्ति नहीं है जो कुछ भी सहन कर लेगी। जो भी है हमारा पारिवारिक मैटर है वो एक अलग टॉपिक है, अलग बात है, लेकिन यह जो भी हो रहा है वो अलग है। वो अभी बीच में लाने से कोई मतलब नहीं और इस बारे में बात करने का समय नहीं है। ना मुझे किसी ने धमकाया, ना ही पैसों से मेरा मुंह भरा है। एक औरत होने के नाते मेरी मनीषा के साथ सहानुभूति है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है। जिसने गलत किया है उसको भगवान सजा देगा। तो जिसने गलत किया है सचिन और नेहा, उनको ही सजा मिल रही है, उनकी ही बेइज्जती हो रही है, तो भगवान उन्हीं को सजा दे रहा है। मनीषा के साथ आपकी सिंपत्ति होती तो आप आज ऐसा नहीं कहते कि वो मियाँ बीवी है, वो शादी कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में है तो उस इंसान का नहीं सोच रही। तो वो शादी कर रहा है, वो पता नहीं उसका तो मन से है या नहीं। सारे परिवार वाले चाहते हैं कि मनीषा खुश रहे, तो क्या मनीषा छोड़ दे उसको ताकि ये दोनों फिर से शादी कर ले। मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रही, आज आशीष भैया के आशीर्वाद से मेरी गोद में मेरा बेटा है, मैं उनकी बेटी के लिए मूक बधिर तो नहीं बन सकती। कृपया एक बार चीजों को मेरे नजरिए से देखें। आपका नजरिया पता नहीं क्या है, लेकिन इस टाइम पे जो गलत किया है और आप कह रहे हो ना कि आप उसकी बेटी का नहीं सोच रहे या फिर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, हमें भी पता है उसकी बेटी है, उसने अपनी बेटी के साथ भी गलत किया है। जिस टाइम पे उन्होंने औरों के साथ गलत किया था उसने कभी भी नहीं देखा कि औरों के परिवार में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसके जो कहने से, तो उसने कभी नहीं सोचा इस चीज को लेकर। चलो ठीक है, फिर अब जो दीदी जी हैं उनके भैया का ब्लॉग आ चुका है, उन्होंने कहा कि आज के बाद से है ना उनके रेगुलर ब्लॉग आया करेंगे और वो अपना जो घर में कंटेंट है, जो उनके घर में खुशियां आई है, बेबी आया है, तो उसको वो वेलकम करेंगे, उनके साथ मस्ती करेंगे और रूटीन के ब्लॉग आएंगे। जो भी आपको पूछना है, जो भी आपके सवाल हैं और अपनी बात रखने की बारी है तो वो नेहा दीदी खुद मतलब आकर अपने ब्लॉग में रखेंगे, क्योंकि उनका तो अलग से ब्लॉग है। और वैसे बात भी ठीक है ना, वो अपनी बहन को कितना मतलब इस चीज़ को लेकर प्रोटेक्ट करेंगे, वो खुद ही सवालों के जवाब देगी तभी उनकी ऑडियंस शांत होगी। वैसे वो एक लाइव में आए थे, एक लाइव में आकर उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा था ना कि हाँ जो एक्सेप्ट करना था वो एक्सेप्ट कर लिया, जिनके साथ रिश्ता रखना था रख लिया था, जिनके साथ नहीं रखा उसके साथ उन्होंने लाइव में नहीं रखा, लेकिन उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हुई
हुई है, जहां उन्होंने नीतू दीदी के साथ ऑनलाइन रिश्ते खत्म किए थे, उसके बाद से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उनके ससुर जी भी बीमार हो गए हैं और एक की वजह से एक नहीं कई घर सफर कर रहे हैं, जहाँ सुमित जी का परिवार बहुत ज्यादा परेशान है, सदमे में है, वो सोच नहीं पा रहा कि आगे क्या फैसला लेंगे क्या नहीं लेंगे। तो सुमित जी हो, सचिन हो, नेहा का खुद का हो, उनका ससुराल हो, और बहुत सारे ऐसे परिवार है जो उनकी वजह से आज शायद रात की नींद भी चैन से नहीं सो पाते होंगे। और अब यहाँ पर देखे ना तो जो सरिता जी हैं उनका भी व्लॉग आ चुका है, जो पिछला व्लॉग था जिसमें उन्होंने बताया था कि मनीषा ने खुद उन्हें आकर बताया था, रूम में आकर बताया था कि जो नेहा दीदी है वो बात करती है तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता, सचिन के साथ उनका बात करना अच्छा नहीं लगता। और सरिता जी उस टाइम पे बीमार थे, वो जब सुबह उठकर देखते हैं तो वो तीनों एक ही थाली में खाना खा रहे होते हैं, तो ये चीज़ उन्हें समझ नहीं आती। उस टाइम पे वो तो कुछ नहीं बोलते, फिर वो 2-3 दिन वहाँ पर रुकते हैं, तब सरिता जी कहते हैं कि जब मैंने उनको एक थाली में ऐसे खाना खाते देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मनीषा ने ऐसा क्यों कहा फिर, कि मुझे उनका बात करना अच्छा नहीं लग रहा, यदि मुझे ऐसा कहा तो फिर ये सब क्या है जो ये दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने कोई वीडियो डाली थी वो भी डिलीट करवा दी थी, जो मनीषा ने रात को वीडियो डाली थी उस वीडियो में साफ पता चल गया था कि वो सरिता जी के घर रुके हैं, जिसकी वजह से मनीषा के पास कॉल आता है आंटी जी का, आंटी जी उन्हें पूछती है, शायद मनीषा यही चाहती थी, वो वीडियो इसीलिए उन्होंने बनाया था ताकि आंटी जी तक ये मैसेज पहुँच जाए, क्योंकि मनीषा की उस टाइम पर चलती नहीं थी, कहाँ वो बता रही है सरिता जी को कि उनका बात करना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ये क्या हो रहा है कि फिर जब सरिता जी ने उनसे कुछ पूछा तो उस टाइम पे उन्होंने कह दिया कि नहीं कोई एतराज नहीं है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि पीछे से सारा कुछ फिर वही धमकाया हो चाहे समझाया गया हो। और फिर सरिता जी ने कहा कि मेरे सामने नेहा ने उनको कहा कि तुम जाओ यहाँ से, और वो सचिन और मनीषा उसी टाइम उनके घर से चले गए, जबकि कर्फ्यू लगा हुआ था, एक दिन और उन्हें रुकना था, लेकिन वो नहीं रुके, इतने ज्यादा वो कंट्रोल में कर रही थी चीजों को, नेहा ने कहा और वो चल दिए। और फिर सरिता जी ने उनका झूठ पकड़ लिया कि यहाँ पर नेहा ने भी झूठ बुलवाया था कि मेरे मम्मी पापा को ये नहीं बताना कि वो सरिता जी के घर रुके हैं, यहाँ सचिन मनीषा की मम्मी को भी पता चल गया कि वो सरिता जी के घर रुके हैं तो तुरंत उनको भेज दिया। तो उन्होंने क्या किया फिर कि जब सचिन और मनीषा चले गए उसके बाद सरिता जी ने नेहा को अपने कमरे में बुलाया, और उस टाइम पे सरिता जी ने उन्हें कहा कि तू आज मेरी नजरों से गिर गई, तेरी इज्जत यहाँ थी अब यहाँ आ गई। इसका मतलब यही है कि उस दिन से वो सरिता जी को खटकने लगी। सरिता जी तो यही था कि वो सच्चाई बता रही थी, लेकिन ये चीज शायद नेहा को सचिन को अब लग चुकी थी कि इनको ये चीजें पता चल चुकी है और ये ना हमारे रास्ते में आ सकती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसीलिए इनको दूर करना उचित समझा। तो आगे की स्टोरी है वो और फिर सरिता जी अपने नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, लेकिन जो सस्पेंस उन्होंने बनाया है वो चलो अच्छा भी है, उनकी वजह से उनके इतने सारे ब्लॉग्स है वो भी मिस हुए थे, लेकिन हमें पता तो देखो धीरे धीरे चल जाएगा, कुछ अभी पता तो देखो है ही, लेकिन उस टाइम पे उनकी कोई बात नहीं सुनी गई थी, तो अब उनकी पूरी ऑडियंस है उनकी बात अच्छे से सुन रही है और अब वो सारी चीजें क्लियर भी हो जाएगी। क्यों, जहाँ सचिन कह रहे थे ना कि बीच में मत आओ, बहती गंगा में हाथ मत धो, और हम अब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो तुम ये चीजें फिर बिखेर रहे हो, चीजें सही करने की कोशिश ही वो कर रही है, चीजें क्लियर कर रही हैं वो, क्यों अब आप उनको चुप करवाना चाहते हो, सही मैसेज नहीं दे रहे आप, ये आपने अपनी बात रख ली, अगला पक्ष अपनी बात रखेगा ना, आपसे क्या डरना इस चीज को लेकर। तो आपने अपना रखा, नेहा अपना रखे, सरिता दीदी अपना रख रही हैं, आपको जो सही लगे आप करो, आपको मनीषा के साथ आगे बढ़ना है बढ़ो, किसी ने नहीं रोका, लेकिन जो है वो तो है, जो सामने आएगा वो तो आएगा, सच्चाई ये भी आई है तो और भी आएगी, जहां आपने साइड रखा है तो अब दूसरे की भी एक साइड है, वो भी अपनी साइड रखेगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना।